ये है शिवानी, बिना लगाम के नाचेगी। ये बिना लगाम के नाचेगी, ये देखो। ये कितनी उम्र में है भैया? ये कितनी उम्र में है? ये 4 साल की है। ये 4 साल की है, तो ऐसा कैसे है? जैसे जो वो 2 साल की, ये इसी का बच्चा है। अच्छा, वो जो राजा घूम रहा है दोस्तों, वो इस शिवानी का ही बच्चा है। तो हाँ, शिवानी का राजा है वो। ये देखो, अभी इसको नहलाना बाकी है, तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए आए हैं, तो ये रमेश भाई इसको पहले ही नचा रहे हैं, नहाने से पहले ही। राजा आ गया अपनी मम्मी के पास। अब शिवानी जा रही है खटिया खाट पे। ये देखो, राजा भी देख रहा है अपनी मम्मी को, या मेरी माँ कैसे डांस कर रही है, क्योंकि इसको भी आगे जाके यही काम करना है, परिवार की परंपरा को चलाना है। ये देखो भैया आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनके पाँव लगा देगी या फिर पाँव से चोट पहुंचा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो भैया के चारों तरफ नाच रही है आराम से, भैया आराम से बैठे हैं। ये देखो लेट गए हैं रमेश भाई। अब ये इनके ऊपर, आपके ऊपर डांस करेगी कि? अच्छा। ये देखो आराम से लेटे लेटे इसको डांस ट्रेंड कर रहे हैं भैया। ये एक ही जगह डांस कर रही है। आपको कैसा लग रहा है अपने शिवानी का डांस, कमेंट करके जरूर बताना। क्या बात है, एक आम इंसान तो इनके पास ऐसे जा ही नहीं सकता, डर लगता है कि भाई कहीं चोट लगा देंगी। और घोड़े की जो ताकत होती है उसका अंदाजा तो आपको सबको मालूम है, घोड़े में कितनी ताकत होती है। और इसकी रफ्तार कितनी होती है वो भी सबको मालूम है, घोड़े की कितनी रफ्तार होती है दौड़ लगाने में। आज वो बहुत आनंद ले रही है। बहुत कम लोगों को ऐसा देखने को मिलता होगा लाइफ में, वो भी लाइव एक साथ 7-7 घोड़ियों का डांस देखने को मिला आज हमको। हाँ, तो ये डांस आप सबके लिए भी हम वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि आप सब भी इन घोड़ियों का करतब देख सको। ये देखो भैया इनके पास में बैठे हुए, बिल्कुल रमेश भाई पाँव ऐसा नहीं है, ये पाँव पे बिल्कुल भी पाँव के टच नहीं कर रही है इनके पाँव के। बाकी जानवर ऐसे होते हैं जो पाँव रख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इनके टच भी नहीं कर रही है पाँव अपना। ये देखो आराम से, जैसे नॉर्मल हम बैठे हैं वैसे बैठे हैं रमेश भाई। और ये एक ही जगह डांस कर रही है। क्या हुआ? अब ये खाट पे खड़ी होगी। ये लो ताली बजाओ। ये ये वो देखो कितना एक्साइटेड हो रही है इसको देख के। यस, ये देखो पिक्चरों में जब हीरो बैठता है घोड़ी पे और वो विलन को मारने के लिए जाता है तो घोड़ा ऐसे ही खड़ा होता है। शोले पिक्चर में देखा होगा आपने बसंती को तांगा चलाते हुए। हाँ, तो आप बताइए इन घोड़ियों का डांस आपको कैसा लगा?
इस वीडियो के साथ ये घोड़ियों का नृत्य वाला सीरियल जो हमने 6 भाग में बनाया है वो समाप्त होता है। इन जो इनको डांस सिखाते हैं इनका थोड़ा परिचय करवा देते हैं आप सबसे, ये क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो भैया रमेश भाई आप जरा बता दो। मैं सारंगखेड़ा गया था, 2 बार सारंगखेड़ा रेस जीता, बालोतरा जीता, पुष्कर 4 बार शो जीता है। जो पुष्कर में जो मेला होता है पशुओं का उसमें भी ये 4 बार जीत के आए हैं, और बालोतरा में 2 बार जीत गया, बालोतरा में भी ये 2 बार जीत के आए हैं पुरस्कार। तो इनके लिए भी एक लाइक कमेंट हो जाए, और इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इनको सपोर्ट करना, और इनके वीडियो देख आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और एक लाइक कमेंट इन भाई के लिए भी हो जाए, क्योंकि यही है जो इन बेजुबान जानवरों को इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भैया।